यस यस सर, सर, जी सर। सर क्या कराई थी? रेडिकल रैडिकल सर, सेंटर वगैरह कराया था? यस सर, यस सर, जी सर, यस सर, रेडिकल सेंटर वो सर लास्ट टाइम रेडिकल सेंटर भी हो गया था। तो चलो आज पैराबोला करते हैं फिर। आपने कहा था सिस्टम ऑफ सर्कल्स बात की, सिस्टम ऑफ सर्कल्स यस सर, करा दूंगा कभी उसको। सर आपने तो बोला था एक क्लास का टॉपिक पास, मुझे नोट्स भेजो जरा, मैं समझता हूँ क्या था। सर आपने बोला था आपको क्वेश्चन करोगे जो 1B का लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर, 1B का लास्ट क्वेश्चन भेजता हूँ उसको। सर रेडिकल सेंटर में तो हमने बस इतना ही प्रूव किया था कि वो तीनों रेडिकल एक्सिस कंकरेंट होते हैं, उसके बाद हमने सर्कल वगैरह पे आ गए थे। हाँ सर, नहीं सर रेडिकल सर्कल भी नहीं था, नहीं किया था। सर मैंने एम स्टूडियो 2 पर टैग किया सर आपके लास्ट क्लास के नोट्स। द रेडिकल सेंटर प्रूव कर दिया था। हमने ये प्रूव किया था अगर तीन सर्कल है जिनके सेंटर्स आपस में कोलिनियर नहीं है, तो उनके रेडिकल एक्सिस आपस में कॉन्करेंट होते हैं और हम उसी पॉइंट को रेडिकल सेंटर बोलते हैं। सी रेडिकल सेंटर। अच्छा है कि जरूरी नहीं तीनों सर्कल के बाहर हो, या तो ये तीनों सर्कल के बाहर रहता है या तीनों सर्कल के अंदर भी रह सकता है बच्चों। इस केस में तीनों सर्कल के अंदर रहेगा, तीनों सर्कल के अंदर भी हो सकता है, दिख रहा है, और ये तीनों के ऊपर भी हो सकता है। ये देखो ये तीनों के ऊपर भी हो सकता है, एबल टू सी लिखो, इट कैन बी इधर आउटसाइड ऑल थ्री सर्कल्स और inside all three circles or at the intersection or on the circumference of all three.
सर हम लोग रेडिकल सेंटर के लिए टचिंग वाला सर्कल्स टचिंग वाला केस कंसीडर नहीं कर सकते नहीं कर सकते सर, तो उस तीनों केस में आउटसाइड बनेगा ना वो। तीनों सर्कल टच करने, कितने सर्कल टच कराने? हाँ सर, मतलब एक बड़ा सर्कल उसके अंदर दो टचिंग इंटरनली, या सर एक्सटर्नली भी चलेगा। अच्छा, पहली बात तो सेंटर नॉन कोलिनियर होने चाहिए। हाँ सर, ठीक है, तो बात करेंगे। एक तो ये है, तीसरा काम बनाओ सर उसके साइड में, मतलब ऐसे कि वो नॉन कोलिनियर हो। हाँ ठीक है, तो हम देखो तुमकी रेडिकल एक्सिस देख लो, व्हाइट कलर से बनाता हूँ। एक, दो, ये लो, ये रेडिकल सेंटर। थैंक यू सर। इस केस में भी तीनों के बाहर है। और कोई डायग्राम देखना किसी को? और कोई डायग्राम देखना बच्चों? कोई और केस? सर वो ग्रीन वाला सर्कल बाहर होता तो, लास्ट केस में ग्रीन वाला सर्कल बाहर होता तो। चलो नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बना दूंगा रेडिकल सेंटर। तो ये पहले से ड्रॉ कर लो, पहले ड्रॉ कर लिए अच्छे से सर, एक मिनट कॉपी कर लो। हां कर लो, कर लो। सर अगर वो छोटा वाला ग्रीन वाला सर्कल बाहर हो जाएगा तो सर तीनों में से किसी दो सर्कल का सेंटर कोलिनियर हो जाएगा ना? करते हैं दो का कोलिनियर, तो दो के सेंटर तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं। अच्छा हाँ सर, सॉरी सर। पेज पर हट सकते हैं? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो अभी देखो जरा जो बच्चे पूछ रहे कि सर उस केस में कैसा दिखेगा, आप मुझे केसेस बताओ, मैं उस केस पे डायग्राम बना देता हूँ। सर वो आपने जो लास्ट केस बनाया उसमें बस वो छोटा वाला सर्कल ग्रीन वाला बाहर हो तब। रुको, एक सर्कल ऐसे, दूसरा किधर बनाऊं? सर वो ही अंदर, उसके अंदर एक, उसके अंदर। अच्छा चलो, टच कराऊं क्या कराऊं सर? कोई भी केस। अच्छा चलो, और तीसरा? और तीसरा बाहर सर्कल, बाहर मतलब कोलिनियर ना हो वैसे कहीं भी। अब इधर देखो, दोनों ऑरेंज की रेडिकल एक्सिस ये होगी, दोनों ऑरेंज की, हाँ है ना, होगी? हाँ सर, यस सर। ऑरेंज और ग्रीन की रेडिकल एक्सिस ये होगी, ठीक है? हाँ सर। और बड़ा ऑरेंज और ग्रीन की रेडिकल एक्सिस ये होगी, ये समझा सर? वो लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स के परपेंडिकुलर बनाता जा रहा हूं ना मैं। हाँ सर समझा।
चलो अब बच्चों, रेडिकल सेंटर जब सर्कल के बाहर होता है तो समझो, इफ रेडिकल सेंटर इज आउटसाइड द सर्कल्स, देन वी कैन मेक equal tangents to all three circles. Hai na? Yes. अगर radical center तीनों के बाहर है ना, मान लीजिए दो ऐसे और तीसरा ऐसे circle, और रेडिकल सेंटर तीनों के बाहर है, ये रेडिकल सेंटर इधर आ गया, तो इससे हम लोग तीनों सर्कल पे टेंजेंट्स इक्वल बना सकते हैं। सबको ये बात पता ही है। जैसे इधर देखो, ये टेंजेंट का लेंथ, ये टेंजेंट का लेंथ, ऐसे ये टेंजेंट का लेंथ एंड ये टेंजेंट का लेंथ, ये सारे टेंजेंट का लेंथ इक्वल आ रहा है, आया ना भाई? टेंजेंट का लेंथ क्यों इक्वल आएगा? रेडिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जहां जिसकी पावर तीनों सर्कल के लिए सेम हो, आया ना? पावर सेम है तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट भी सेम आएगा, राइट? यस सर। और उस लॉजिक के हिसाब से देख रहा है, ये थोड़ा घिचपिच वाला डायग्राम बना दिया, थोड़ा और अच्छा डायग्राम बना देखो। मान लो ये तीन सर्कल है, दीज आर थ्री सर्कल्स, तो रेडिकल सेंटर, रेडिकल एक्सिस एक, रेडिकल एक्सिस दो, रेडिकल एक्सिस तीन, ये तीनों रेडिकल एक्सिस एक जगह मीट कर गए, तो ये वाला जो पॉइंट है इससे रेडिकल सेंटर से तीनों सर्कल पे टेंजेंट की लेंथ इक्वल बनेगी। दिख रहा है सबको? अच्छा, ऑल्सो अब अगर मैं रेडिकल सेंटर को सेंटर मान के एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर दूं, सबको दिख रहा है सर्कल? जब ये सारी लेंथ इक्वल है तो इंसान का मन करेगा ही करेगा, कह रहे यार इनको इक्वल लेंथ को रेडियस मान के एक कंपास से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए, आया ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये लेंथ, ये लेंथ, ये और ये अगर इक्वल है तो मन करेगा इंसान का, कह रहे हाँ यार एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ये ग्रीन लाइंस येलो सर्कल के लिए क्या है? रेडियस। यस सर। यस। और रेड सर्कल के लिए क्या है? Tangent. इसका रेडियस, इसका टेंजेंट है, दोनों सर्कल आपस में क्या हुए? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। ये वाला जो सर्कल होता है इसी को हम रेडिकल सर्कल कहते हैं। देखो, अ सर्कल विद सेंटर एज रेडिकल सेंटर but radius equals the length
ऑफ टेंजेंट टू एनी ऑफ द थ्री सर्कल्स. दिस सर्कल इज कॉल्ड रेडिकल सर्कल. दिस सर्कल इज कैसा रहेगा? ऑर्थोगोनल टू ऑल थ्री. ऑर्थोगोनल टू ऑल थ्री सर्कल्स. देखो इसका भी बना के देखो, इसका भी बन जाएगा. ये सेंटर है, अच्छा इन केस रेडिकल सेंटर is मान लीजिए रेडिकल सेंटर इनसाइड है, या फिर अगर रेडिकल सेंटर अंदर है तो बच्चों टेंजेंट्स नहीं बनेंगे. हाँ या ना? हाँ सर, नॉन रियल सर्कल बनेगा. इन रेडिकल सर्कल will be non-real. And in case it is outside, then radical circle is real. मस्त बन रहा है, बना के दिखाया ही तुम्हें. और एक तीसरा केस, इफ इट इज ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, तो उस केस में रेडिकल सर्कल विल बी अ पॉइंट सर्कल. पॉइंट सर्कल, लिख लो, रेडिकल सर्कल विल बी अ पॉइंट सर्कल. सर फर्स्ट केस में नॉन रियल कैसे, एक बार बता सकते हैं डायग्राम से? हाँ हाँ, पहले से कॉपी करो. फर्स्ट केस में ना नॉन रियल है, तो रियल है. नहीं सर, इनसाइड द सर्कल से आपने जो राइट हैंड साइड कॉपी करो.
सर यही है सिस्टम ऑफ सर्कल्स जिसके आप बात कर रहे थे। कॉपी कर लिया? यस सर। एक मिनट भगवान सर। डन है? यस सर। सर डन। इसके बाद देखो वो कह रहा है नॉन रियल कैसे होता है। नॉन रियल दिखता थोड़ी है। मान लो सर्कल के अंदर रेडिकल सेंटर है, तो ये रेडिकल सेंटर आ गया। अब इससे कोई टेंजेंट ही नहीं बनेगा तो रेडिकल सर्कल देखेगा ही नहीं, समझ रहा है? यस सर। चलो क्वेश्चन लिखो। करो
डन है सर। देखो मेथड वन तो उसका ये है, आप कुछ दिमाग लगाओ ही नहीं, सर्कल की इक्वेशन ही मान लो। ये इक्वेशन है सर्कल, फिर क्या करो, जी एफ और सी निकालना है। हाँ सर, जी एफ और सी में तीन इक्वेशन आएंगे, तीन इक्वेशन बना लो, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन इससे इससे और इससे लगा लो, जी एफ और सी में तीन रिलेशन बना लो। सबको समझ में आया लॉजिक? यस सर। यस बताओ या कर लेंगे? सबको मेथड वन समझ में आया? यस सर। यस सर। करेक्ट है? मेथड टू देखें? या अब देखिए मेथड टू सर, मेथड टू ये होगा कि एस माइनस एस डैश निकालेंगे किसी भी दो सर्कल्स का और फिर इंटरसेक्शन से हमें सेंटर पता चल जाएगा। मेथड यस सर, रेडिकल सेंटर, फिर टेंजेंट की लेंथ निकालेंगे और फिर लगा देंगे। सर तीनों के एस वन को इक्वेट करके नहीं कर सकते, मतलब लंबा पड़ेगा पर उससे भी आएगा ना आंसर। सर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने की जरूरत नहीं है, वो एक सर्कल ओरिजिन से पास करे तो सी तो पॉइंट टू रेडिकल एक्सिस, तो मैं पहले दो की रेडिकल एक्सिस निकाल रहा हूं सबट्रैक्ट करके। करो जल्दी से इनको सबट्रैक्ट करके, क्या आती रेडिकल एक्सिस? एक्स पर कट गया, वाई पर कट गया, माइनस 12 तो 12 एक्स। सर एक का एक्स इक्वल टू 11 बाय 4 और एक में वाई इक्वल टू 2 आता। अब हम जो सर्कल्स को सबट्रैक्ट कर करके रेडिकल एक्सिस निकाल रहे हैं, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 12x माइनस 36 प्लस 3, एक्स इज इक्वल टू 11 बाय 4, 33, 11 बाय 4 आया एक रेडिकल एक्सिस। ऐसे ही हम दूसरे दो के साथ निकाल लें, दूसरा क्या था, दो ही रेडिकल एक्सिस की जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरा ये और एक, जब सबट्रैक्ट करोगे तो 8x 8y y equals 2 आता है, तो y equal to 2 आ रहा है। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से हमें रेडिकल सेंटर मिल जाएगा, समझ रहे हो? इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो पॉइंट आएगा वो रेडिकल सेंटर होगा, जो बहुत इजी है ढूंढना। 11 by 4, 2 आ रहा है, right? Yes, sir. तो वो सर्कल का जो सेंटर होगा वो 11 by 4, 2 होगा। अब रेडियस निकालना, रेडियस शुड बी लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 11 by 4, 2। किस पर लेंथ होगा टेंजेंट निकालो, तीनों में से किसी पे भी निकालो। फर्स्ट वाले इजी पड़ेगा, कॉमा 0। लेंथ ऑफ टेंजेंट विल बी रूट ऑफ 11 by 4 का होल स्क्वायर
प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस वन 13 बाय 4 ठीक है, जो भी है यहाँ यूज कर लेंगे। सर हम लोग पावर ऑफ पॉइंट से भी निकाल सकते थे ना सेंटर, और फिर उसके बाद इक्वेट करते। हाँ उससे भी निकाल सकते हैं। ओके सर। फिर आप एक और कोई मेथड बताने वाले हो? होगा ऐसा? हाँ डन बच्चों, ये क्वेश्चन yes, ये क्वेश्चन करो।
होगा ऐसा? हो गया सिर्फ 5 मिनट बाद। डन सर। देखो कई बच्चे क्या करने की कोशिश करेंगे, इसका डायग्राम ना ऐसे बना, जैसे एक ट्रायंगल बनाया और वैसे सर्कल्स बना रहे हैं इसको, वैसे नहीं, ऐसे 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 डायग्राम बना रहे हैं लोग। कितने लोगों ने डायग्राम बनाया, बना रहे हैं? रिप्लाई है, ये देखो अब ये डायमीटर है आपके हिसाब से, तो ये एंगल 90 होगा, आया ना? Yes, sir. होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही इधर वाला एंगल भी 90 होगा। Yes, sir. तो इसका मतलब ये जो लाइन जा रही है ये 90 प्लस 90 180 कर रही है, ये जो यहाँ पे। Yes, sir. इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। हाँ सर। तो ये स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट्स इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, एक स्ट्रेट लाइन नीचे ब्लैक कलर की है और एक आप कह रहे हो पर्पल कलर की, ऐसे दो स्ट्रेट लाइन हो सकती है दो पॉइंट्स के बीच? नहीं सर। आपने ऐसे हवा में बना रखा है ना, ये हवा में ऐसा कोई पॉइंट होगा नहीं, दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली बताता हूँ देखो कैसा होता है। एक्चुअली अगर आप ट्राइंगल बनाते हो तो समझने की कोशिश करो, और इसको देखो ये इस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड है, यहाँ पे दिख रहा है ये ऑल्टीट्यूड है ट्रायंगल, कैन यू सी दिस? यस सर। वो जो सर्कल आप बनाओगे ना, वो सर्कल ऑन डायमीटर इस साइड पे, वो उस ऑल्टीट्यूड वाले पॉइंट से पास करेगा ही करेगा, क्यों करेगा भाई? उसको भी तो 90 डिग्री वाला पॉइंट चाहिए होगा ना। यस सर। ऐसे ही समझ में आई बात बच्चों? आप जो दूसरा ऑल्टीट्यूड भी बनाओगे ना, जितने भी ऑल्टीट्यूड बनाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपने ये ऑल्टीट्यूड बना लिया, अनदर ऑल्टीट्यूड, तो ये भी सर्कल यहाँ से भी पास करेगा, क्योंकि देखो ये लाइन जब 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगी वहां से सर्कल जाने का कंपलसरी है, दिख रहा है? यस सर। सिमिलरली अब अगर मैं ये सर्कल बनाता हूं, ये सर्कल भी एज अ डायमीटर होगा, तो ये पक्का यहां से पास करेगा ही करेगा, क्योंकि इसको भी तो 90 डिग्री देखना है आपको, दिख रहा है 90 डिग्री? यस सर। देखा? यस सर। याद रखो ये जो आपने हवा में डॉट बनाया था, हवा में नहीं होगा ये, यहां जाके जाएगा। इनफैक्ट ऐसी अगर आप तीसरा ऑल्टीट्यूड भी बना दोगे ना, तीसरा ऑल्टीट्यूड जो आप बना रहे हो इधर से भी पास, दिख रहा है सबको ये डायग्राम? ये साइड यहाँ 90 डिग्री शिफ्ट करी है तो सर्कल इधर से पास करेगा, करेक्ट है? दिखा सबको? Won't we have to make three circles? हाँ तो तीसरा वाला भी बना लेते हैं, वो BC पर डायमीटर का बनेगा। अब वो BC पर डायमीटर बनेगा तो जहां पर BC 90 डिग्री शिफ्ट करेगी वहां से पास करेगा ही करेगा,
यानी यहां से पास करेगा और यहां से पास करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। बीसी 90 डिग्री तो उसको ही बना लेते हैं। बीसी पर एस डायमीटर फिर गारंटी है वो करेगा पास। कैन यू सी दिस? यस सर। तो ऐसा डायग्राम है एक्चुअली, आपने हवा में जो बनाया था ना, ये बड़ा ही उठपटांग सा चीज था, ऐसा कुछ होता नहीं है, समझ रहे हो? ये सिर्फ इल्यूजन है। किस चीज का इल्यूजन है? क्योंकि हमारे पास स्केल वगैरह वो सब नहीं है। और एक्चुअली आपको सोचोगे जहां 90 डिग्री सब्टेंड होगा उस पॉइंट को पास करेगा ही सर्कल। तो आप जरा इन सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस सोचो, तुम्हें दिख रहा है दोनों ग्रीन सर्कल की जो रेडिकल एक्सिस होगी वो कौन होगी? दोनों दोनों ग्रीन सर्कल की रेडिकल एक्सिस होगी एडी। और रेड और डार्क ग्रीन की कौन सी होगी? बीई। बी। और लाइट ग्रीन और रेड की कौन सी होगी? सीएफ। तो इसका मतलब रेडिकल एक्सिस आर ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। यस सर। Thus, their point of concurrency is orthocenter. Center. So radical center is same as orthocenter. सबको clarity आई? Question मुश्किल नहीं था, इसका diagram मुश्किल था। Sir, इसको diagram के बिना भी कर सकते हैं ना? सर मतलब उन्होंने कुछ कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम लोग कन्वीनियंस के लिए एक को एच कॉमा जीरो और दूसरे को माइनस एच कॉमा जीरो और तीसरे को पी कॉमा क्यू करके सर फिर तीनों सर्कल का वो पॉइंट से इक्वेशन निकालेंगे, फिर सर रेडिकल एक्सिस विल बी इक्वल टू ऑल्टीट्यूड। सर कोऑर्डिनेट्स ही करना है तो मेरा सजेशन है तुम जो सर्कल का सेंटर होगा वो मिड पॉइंट होगा साइड्स का, तो फिर द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स बाय मिड पॉइंट थ्योरम विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो फिर द रेडिकल एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू द थर्ड साइड, पर वो ऑल्टरनेट होगा वो कैसे प्रूव करेंगे? रेडिकल एक्सिस भी दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनका कॉमन कोऑर्डिनेट। ओके 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 या आई गॉट इट। सर इसका डायग्राम नहीं बन रहा। डायग्राम मैंने बना तो दिया। नहीं सर वो कॉपी भी नहीं हो पाया। अब वो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो तो सर सर ये याद करनी है प्रॉपर्टी या ये सिर्फ एक क्वेश्चन है? ये एक क्वेश्चन है बस। ओके सर। सर कैन यू शो द प्रीवियस पेज? सर सर्कल्स ओवर हो गया? हाँ सर्कल्स ओवर हो गए। तो अभी आप पैराबोला स्टार्ट कर रहे हो? हाँ पैराबोला स्टार्ट कर देते हैं। ओके सर। और वही कोई एक्सप्रेस बी का लार्ज सम कर सकते हो? हाँ सर प्लीज। देखो एक बार मैंने कराया उस बैट का वीडियो देखते हो? ओके सर। वो पूरा लेक्चर खा जाएगा वो क्वेश्चन। ओके सर। है कुछ अच्छा क्वेश्चन है क्या? वो बेकार, बहुत बेकार क्वेश्चन है और कुछ है नहीं उसमें, मतलब